नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मोदी के नाम पर फिर करिश्मा दोहराने के प्रयास में है भाजपा। हिमाचल में राज्य के नेताओं को पर्दे में रखते हुए मोदी के नाम पर चलेगी पार्टी। मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा में मनाली की कल्पना ठाकुर रही प्रथम। हिमाचल की महिलाएं पहली बार लेंगी मिसेज इंडिया में भाग। खराबी के कारण घंटाघर की चारों घड़ियां बता रही हैं अलग अलग समय। शिवरात्रि के दौरान लापरवाही के कारण हुआ घड़ियों का यह हाल। और हिमाचल के कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगी रोक। शिक्षक, स्टाफ रूम व विद्यार्थी स्पेशल जोन में ही कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भव्य जीत हासिल करने वाली भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के हिमाचल में अप्रत्याशित जीत को भी अपनी बड़ी ताकत मानती है। यही वजह है कि हिमाचल में भाजपा के राज्य के नेताओं को पर्दे में रखते हुए पार्टी मोदी के नाम पर फिर करिश्मा दोहराने के प्रयास में है। पार्टी चाहती है कि मोदी के नाम पर जो वोट लोकसभा चुनाव में हासिल हुए उसे बनाए रखा जाए, जबकि सामने खड़ी कांग्रेस 3 वर्ष पहले के मोदी के कान चढ़े भाजपा के ग्राफ से भीतर मन में दहशत तो खाती है, लेकिन सियासी मंच पर कांग्रेस मोदी को घेरने की रणनीति को कारगर बनाने में भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। मोदी की घेरेबंदी के लिए पार्टी हिमाचल के संदर्भ में ही उनके खिलाफ मुद्दों को भी धार देने में जुट गई है। पिछले लोकसभा चुनाव का इतिहास हिमाचल में भाजपा तो कभी भूलेगी नहीं और कांग्रेस तो अपना हश्र कभी भुला नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसी आंधी आई थी कि राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस का 59 सीटों पर बेहद बुरा हश्र हुआ था। यहां तक कि हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय माने जाने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी अपने हलके में भाजपा की बिजली गिरने से नहीं बचा पाए थे। गिनती के 9 हलकों में ही कांग्रेस का वोट बैंक बच पाया था। इनमें ऊना जिले के हरोली में कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भरमौर से कैबिनेट मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज जीएस पाली, कौल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी के हलकों में भी हजारों की लीड भाजपा के खाते में गई थी। उधर सिराज में आश्चर्यजनक रूप से भाजपा की विधानसभा चुनाव की लीड लोकसभा के चुनाव में काफी कम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस इस बार नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा समय से पहले ही कर सकती है। इसको लेकर वे सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। ठीक चुनाव से पहले टिकट आवंटन को लेकर गुटबाजी न हो, उसको देखते हुए इस फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है तो पार्टी इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर हाईकमान को भेज सकती है, ताकि उसके अनुसार वे भी आगामी कदम उठाए। देखा जाए तो प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दलों कांग्रेस व भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके तहत दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब कांग्रेस के इस फार्मूले से भी पार्टी में सियासी माहौल गर्मा सकता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने माना कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस भाजपा की राज्य में 100 रैलियों का जवाब देने के लिए अपने सभी 17 संगठनात्मक जिलों में राष्ट्रीय स्तर के नेता उतारने जा रही है। इसके तहत आगामी जून में पार्टी के 17 राष्ट्रीय नेता हिमाचल आएंगे और संगठनात्मक जिलों में रैलियां कर चुनावी शंखनाद करेंगे। सूचना के अनुसार बैठक में प्रदेश भाजपा की 100 रैलियों का जवाब देने की रूपरेखा भी तैयार हुई। इसके तहत जून में पार्टी 17 संगठनात्मक जिलों में रैलियां करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। छब्बीस मई को मंडी में विभिन्न मांगों के लिए हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान सत्याग्रह करने जा रहा है, जिसके बाद हिमाचल अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 12 जून से प्रदेश के लोगों के हितों के लिए आमरण अनशन होगा। ये जानकारी अभियान के सदस्य दिशा शर्मा ने दी। इसके साथ ही सदस्यों ने मंडी जिला उपायुक्त संदीप कदम के माध्यम से पीएम और सीएम को ज्ञापन पत्र भी भेजा। हम लोगों ने यहाँ जिलाधीश मंडी के माध्यम से मंडी, सुंदरनगर, द्रंग, बासा और रिवाल्सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी नेर चौक की स्थापना को लेकर के
ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने कहा कि लगातार हम पिछले लंबे समय से जो संघर्ष में रहे हैं, हम ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी और अन्य मुद्दों को लेकर के 27 मई का जो विशेष विधानसभा सत्र है, उससे पहले 26 मई को हम लोग यहाँ मंडी में सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद एक हिमाचल अधिकार यात्रा निकलेगी और उसके बाद 12 जून को हम इन तमाम मुद्दों के लिए मंडी में आमरण अनशन पर बैठेंगे और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि सरकार नहीं मान जाती। और जो निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ाई और इलाज का जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग इस यात्रा में और इस संघर्ष में सामने आएंगे। इसके अलावा हमारे इस संघर्ष के जो मुद्दे हैं वो प्राकृतिक संसाधनों में 50% हिस्सेदारी, वनाधिकार, बंदरों और गौओं का पुनर्वास और कम से कम 10 गुना मुआवजे वाला हिमाचल के लिए भूमि अधिग्रहण कानून और युवाओं के शोषण के खिलाफ सबको रोजगार, समान विकास, मूल्य, वेतन, पेंशन और न्यायपूर्ण तबादला नीति को लेकर के सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने और अनुबंध, आउटसोर्सिंग आदि श्रेणियां खत्म करके सीधे नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज कोटा दिए जाने, और इसके साथ साथ हम लोग जो मनरेगा या न्यूनतम जो मजदूरी है उसको 21,000 रुपये मासिक करने, हमारे इस संघर्ष में शामिल रहेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को लामबंद करके हम इसमें सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे। मिसेस इंडिया के हिमाचल से चयन हेतु सोलन में प्रदेश भर से आई विवाहित महिलाओं ने ऑडिशन में भाग लिया। सोलन में हुए ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 30 महिलाओं ने भाग लिया। 10 दिनों तक चले इस आयोजन में सोलन, मंडी, कुल्लू और मनाली में ऑडिशन लिए गए थे। प्रतियोगिता को दो भागों में बांटा गया था। दूसरे भाग में क्लासिक 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई, जिनमें प्रथम स्थान पर मनाली की कल्पना ठाकुर, दूसरे पर कुल्लू की विद्या नेगी और तीसरे स्थान पर मंडी की रिंकू भगत रही। मिसेस इंडिया के हिमाचल से चयन हेतु सोलन में प्रदेश भर से आई विवाहित महिलाओं ने ऑडिशन में भाग लिया। सोलन में हुए ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 30 महिलाओं ने भाग लिया। 10 दिनों तक चले इस आयोजन में सोलन, मंडी, कुल्लू और मनाली में ऑडिशन लिए गए थे, जिनमें से 20 को फाइनलिस्ट चुना गया और फिर उन 20 में प्रतियोगिता आयोजित की गई। मिसेस इंडिया के लिए करवाए गए इस कार्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था। चुनी हुई महिलाओं ने सोलन में आयोजित किए गए ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहले भाग में 18 से 40 वर्ष की विवाहित महिलाएं थीं, जिनमें से मिसेज इंडिया हिमाचल प्रदेश की विजेता रही सोलन की प्रियंका चड्डा मेहता, जबकि फर्स्ट रनरअप शिमला की रितु सुद गुप्ता और सेकंड रनरअप कुल्लू की तनुजा वर्मा रही। दूसरे भाग में क्लासिक 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई, जिनमें प्रथम स्थान पर मनाली की कल्पना ठाकुर, दूसरे पर कुल्लू की विद्या नेगी और तीसरे स्थान पर मंडी की रिंकू भगत रही। प्रथम स्थान पर रही मनाली की कल्पना ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि वे अब आगामी तैयारी के लिए पूर्णतः जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घरेलू कार्यों के अलावा अपनी प्रतिभा को भी निखारने की आवश्यकता है। लास्ट यहाँ पर मिसेज मनाली हुआ था, जो SDM ज्योति राणा जी ने करवाया था, उसी से ही हमें मोटिवेशन मिली है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं पाई, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन। सर, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि मैंने हमेशा समय का सदुपयोग ही किया है, तो उसी के कारण शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी हाँ जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपने ही हिमाचल को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो मैं अपने वोकेबुलरी में ध्यान दूंगी और अपने जीके को इंक्रीज करूंगी, क्योंकि वहाँ पर काफी इंटेलिजेंट लेडीज आने वाली हैं। सर, मैं महिलाओं के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे गांव घरों में जितनी महिलाएं हैं वो सभी ही पैदाइश ही सुंदर होती हैं, बस उनकी प्रतिभा को थोड़ा सा निखारने की जरूरत है, और उनको समय का सदुपयोग करते हुए बताऊंगी घर का कामकाज कैसे करना है, टाइमली खत्म करो, उसके बाद अपने हॉबी में ध्यान दो और अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाऊंगी। जी, मेरा मानना ये है कि घर में जितनी भी वेस्ट चीजें हैं आजकल पर्यावरण को बहुत ही खराब कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं और उसको भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कचरा जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा तो हो ही रहा है। क्यों ना हम उसी को ही घर में रीयूज करें, कुछ अच्छी चीजें बनाएं, ताकि कूड़ा कम से कम बाहर फेंके। मैं महिलाओं को चाहूंगी कि मैं उनको सिखाऊं। इस मौके पर उनके साथ दूसरे स्थान पर रही कुल्लू की विद्या नेगी व 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में सेकंड रनर अप कुल्लू की तनुजा वर्मा भी मौजूद रही।
मैं मानती हूँ कि शादी के बाद महिलाएं बहुत टाइप टू जाती हैं, घर गृहस्थी में बंद जाती हैं और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। बहुत के दिलों में इच्छा होती है कि वो भी इस तरह का स्टेज में जाती है जो दिल में छिपी रहती है, लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि उन लोगों को भी स्टेज पर आने का मौका मिलेगा, अपना हुनर दिखाने का मौका। कोई भी काम असंभव नहीं होता और हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे हैं, बस एक प्रयास की ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरी इन-लॉज की फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं इसमें जाऊं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं जाऊं और कुछ करके आऊं। मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज का एक्सपीरियंस हुआ है, बट जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी। मैं जो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आई हूँ उसको मैं और ज़्यादा गेन करूँगी ताकि मैं नेशनल में और अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। बता दें कि ग्रैंड फिनाले में प्रदेश की 6 महिलाओं का चयन राष्ट्रीय स्तरीय मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो मिसेज इंडिया के लिए चेन्नई में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 01905282046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी, कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहटा बाजार टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। मंडी शहर की शान माने जाने वाला ऐतिहासिक घंटाघर एक बार फिर से अपनी मुरम्मत की राह देख रहा है। इस बार घंटाघर की दुर्दशा मानवीय भूल के कारण हुई है। घंटाघर की घड़ियां अलग अलग समय दर्शा रही हैं, जिससे देखने वालों को धोखा लग रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इसे छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरें उचित रखरखाव न होने के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मंडी शहर के बीचों बीच बना घंटाघर। 1920 को मंडी शहर के तत्कालीन राजा ने अंग्रेजों की मदद से इस घंटाघर का निर्माण करवाया था। घंटाघर की बदहाली का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी घड़ियां अमूमन खराब ही रहती हैं। शिवरात्रि महोत्सव को बीते हुए महीनों होने को है और उस दौरान से घंटाघर की घड़ियां अलग अलग समय बताकर लोगों को धोखा दे रही हैं। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जब घंटाघर को रंग रोगन किया जा रहा था तो रंग रोगन करने वाली सुइयों को ही पकड़कर रंग रोगन करने लग गए। इस मानवीय भूल के कारण घंटाघर का सारा संतुलन बिगड़ गया और तब से लेकर अब तक घंटाघर की चारों घड़ियां अलग अलग समय दशा कर समय देखने वालों को धोखे में डाल रही हैं।
इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन के प्रधान भगवत सिंह ने नगर परिषद से इसकी जल्द मुरम्मत करवाने की मांग उठाई है। घंटाघर में जो घड़ियां खराब हुई हैं, वो पीछे शिवरात्रि के वक्त जो पेंट करने के लिए जो कुछ लोग ऊपर गए थे, उन्होंने उसकी वजह से वो घड़ियां खराब हो गई हैं। जो मेन जो बिल्डिंग है हमारी, वो उसकी शान तो एक घड़ियों से ही बनती है। अब क्या होता है कि किसी घड़ी में कुछ बजा हुआ है और किसी में कुछ बजा हुआ है, तो एक देखने में भी बद्दा लगता है। बता दें कि इस प्राचीन घंटाघर में जिस तकनीक को इस्तेमाल किया गया है, उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर सिर्फ कोलकाता में ही मिलते हैं। इन कारीगरों को पहले पैसे भेजने पड़ते हैं, जिसके बाद ये घड़ी को चेक करने और फिर उसे ठीक करने के लिए यहाँ आते हैं। नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने माना कि मानवीय भूल के कारण घड़ियाँ खराब हुई हैं और जल्द ही इन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैकेनिक के साथ ईमेल के माध्यम से संपर्क साधा जा रहा है। ये ठीक है आपकी बात कि हमारी जो घड़ियां हैं वो अलग अलग समय दर्शा रही हैं। ये कुछ हमारे ही विभागीय गलती की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ये पुरातन समय की घड़ी लगी हुई है, जिसको ठीक करना एकदम से यहाँ पे कोई कारीगर नहीं मिलता। हमारे लोगों ने इसको जो पेंट शिवरात्रि के समय किया था, उस टाइम घड़ी की सुइयों को पकड़ लिया था, जिससे उसका समय डिस्टर्ब हो गया है। परंतु इसको ठीक करने के लिए हमने जो है कलकत्ता की जो कंपनी हमेशा से ठीक करती रही है, उनको मेल डाल दी है और उनको कुछ एडवांसेस वो मांगते हैं, वो उनको भेज देंगे, उसके बाद घड़ी को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि एक विद इन मंथ ये सब कुछ प्रोसेस में हो जाएगा। हालांकि आज हर व्यक्ति की जेब में समय देखने के लिए मोबाइल है, लेकिन घंटाघर की घड़ियों पर नजर डालकर समय देखने का शौक लोगों को आज भी है। यही कारण है कि इस घंटाघर का महत्व आज भी बरकरार है। वहीं हर घंटे इससे निकलने वाली टन की आवाज भी लोगों को बरबस सी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से ये घंटाघर इन सब से महरूम अपनी मरम्मत का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत के गांव देहू में मुख्य मार्ग से जाने वाले रास्ते के साथ पड़े कूड़े कचरे से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब कूड़े कचरे से बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 1 में यह पार्किंग स्थान आता है। पहले नगर परिषद द्वारा स्थान पर कूड़ादान रखा हुआ था। उस कूड़ादान को करीब एक माह पूर्व उठा लिया गया, लेकिन कूड़ेदान से बाहर गिरा हुआ कूड़ा कचरा नगर परिषद कर्मचारी उठाना ही भूल गए, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को कई बार की, लेकिन तब से लेकर आज दिन तक ये कूड़ा कचरा जस का तस पड़ा हुआ है। लोगों को अब कूड़े कचरे से बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर परिषद को कई बार इस समस्या के बारे में स्वयं भी जाकर अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि देहू गांव को जाने वाला यही एकमात्र रास्ता है, जहां से स्कूली बच्चों से लेकर आमजन को जाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कूड़े से फैली बदबू से राहगीरों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है, साथ ही गर्मियों का मौसम होने से किसी भी प्रकार की बीमारी होने का भी भय होने लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है, ताकि इलाके में कोई भयंकर महामारी न फैल सके। से आने जाने वाले लोगों को बहुत तंगी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल स्वाइन फ्लू और भी कई बीमारियां चली हैं। इसके दौरान अगर कोई बीमारी गांव में फैलती है तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। हमारी पूरे गांव वालों की प्रशासन से ये विनती है, प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी यहां पर या तो डस्टबिन रखा जाए या यहाँ पर इसका कोई समाधान निकाला जाए। ये कूड़े की समस्या बहुत दिनों से यहाँ इसी तरह से चली आ रही है, और यहाँ पे यही नहीं कि गांव वाले ही कूड़ा फेंकते हैं, एडज्वाइनिंग कमेटी के जो डोर टू डोर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हिली एरिया है, लोगों के मकान सड़क से बहुत ऊपर भी हैं, उन लोगों को गाड़ी का नहीं पता होता कब आएंगे। वो सब लोग कमेटी के एडज्वाइनिंग एरिया के लोग भी यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं, पर एमसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम यही गुजारिश करते हैं प्रशासन से भी, माननीय हमारे डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, कि इस कूड़े का निदान किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल रूरल एरिया जो पड़ता भी है वो एडज्वाइनिंग टू द कमेटी एरिया पड़ता है, और इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, और इससे महामारी फैलने की बड़ी वो हो रही है कि महामारी ना फैल जाए, और बच्चे यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन यहाँ की जो है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी ये कि यहाँ पे दोपहर को इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जब आते हैं, करीब मेरे ख्याल 6 और 7 साल की एज के हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि कीड़े के ऊपर से निकलना कि कहाँ से निकलना, और वो कितना जर्म्स अपने घर ले जाते होंगे, और बीमार होने में उनमें क्या कितनी देर लगती है छोटे बच्चों की बीमारी पकड़ने में। तो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिए आप, और इसका जरूर निदान करिए, कोई ना कोई इसके लिए रास्ता जरूर निकालिए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान करवाता है या फिर लोगों को इस गंदगी में ही गुजरना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहां पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहां पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहां ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी निशौक। वीरवार को बल के गागल गांव में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश भाजपा महामंत्री भंवर भारद्वाज के नेतृत्व में एडीसी मंडी से मिला और ज्ञापन सौंपकर गागल में बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग उठाई। वीरवार को बल के गागल गांव का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश भाजपा महामंत्री भंवर भारद्वाज के नेतृत्व में एडीसी मंडी से मिला और ज्ञापन के द्वारा बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की। प्रदेश भाजपा महामंत्री भंवर भारद्वाज ने कहा कि मंडी जिला के गागल गांव के लोग बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदर पहले फसलों और खाने पीने की चीज़ों पर ही झपटते थे, लेकिन अब बंदर हिंसक होते जा रहे हैं, जिससे गागल के लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गागल गांव में बंदरों के काटने के कई मामले सामने आए हैं और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। आज एक प्रतिनिधिमंडल गागल पंचायत के लोगों का और आसपास के लोगों का माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से मिला। आज हमारा जो एरिया है, जो गागल गांव और आसपास का एरिया, उसमें बंदरों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। अपने ज्ञापन में डीसी महोदय से अपील की कि बंदरों की समस्या से निपटा जाए। बंदर पहले तो फसल ही उजाड़ते थे, लेकिन अब हिंसक भी हो गए हैं और बीते पिछले 2-4 महीनों में कई व्यक्तियों को उन्होंने काट खाया है और इस कारण स्कूल के जो बच्चे हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बंदर काट रहे हैं और सारी जगह हाहाकार मचा हुआ है और बंदरों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है गांव में भी समस्या है और सारे शहर जो एरिया, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया, मंडी में भी काफ़ी बंदरों का आतंक है, कई जगह बंदर फसल उजाड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। हम पहले भी, हमारा जो गांव का प्रतिनिधिमंडल है, हम पहले भी जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनसे मिले, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन ने अमल में नहीं लाई है। मैं प्रशासन से अनुरोध भी करना चाहूँगा और चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या पर अमल कार्रवाई की जाए, नहीं तो ग्रामीण आने वाले दिनों में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बंदरों के आतंक से जहां आम लोग परेशान हैं, फसल का नुकसान हमारा हो रहा है और सारी जगह आज भी, अभी पिछले हफ्ते कई लोगों को बंदरों ने बुरी तरह काट खाया और कई लोग तो अभी अपना उपचार यहां हॉस्पिटल में करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल।